हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडे इज द हिंदू न्यूज डिस्कशन। नाउ आज है 5 मार्च, तो आज के द हिंदू एनालिसिस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आज का जो न्यूज़पेपर है, जितनी भी न्यूज़ है, हम यूपीएससी मेंस के बेसिस पर डिस्कस करेंगे। जनरली ऐसा क्यों है, क्योंकि आप सबको सिर्फ न्यूज़ के बदले आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी मेंस इस पर कैसे क्वेश्चन पूछेगा। नाउ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए आज का फिर से टॉपिक आया है OTT प्लेटफॉर्म, बट इस पर हम यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आज ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट डिस्कशन होगा जैसा मैंने आपको बताया था आउट ऑफ टाउन जाने की वजह से, बट क्वालिटी कंटेंट मैटर यहाँ पर रहेगा। नाउ क्वेश्चन क्या है, OTT प्लेटफॉर्म्स विल नॉट हैव टू रजिस्टर, सेंटर ने ऐसे बोला। इससे पहले हमने गाइडलाइंस क्या पढ़ी थी कि सभी OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स है, इनको सेंटर की वेबसाइट में रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, और ज़्यादा रेगुलेशन बढ़ जाती हैं और ज़्यादा सरकार का काम भी बढ़ेगा और हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स का भी काम बढ़ेगा। तो अभी हाल में ही एक नया डिसीजन आया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट का, उन्होंने बोला है कि OTT प्लेटफॉर्म को रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा विद द गवर्नमेंट। ठीक है, उनकी वेबसाइट में, पहले ऐसा बोला गया था कि और ज़्यादा रेगुलेशन के लिए वेबसाइट में, तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन होने की वजह से एक तरह से सेंसरशिप की अगर आइडिया आप लगा सकते हैं कि इंडिया जो भारत सरकार है वो सेंसरशिप को प्रमोट कर रही है, एक इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता था। नाउ अभी तक पूरी हमने OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि हाँ, साथ साथ में आपको कंटेंट भी चेक करना पड़ेगा। जैसे रिसेंटली अभी क्या हुआ था, अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज़ थी तांडव, ठीक है, तो उसके बेसिस पर बहुत ज़्यादा हिंदू सेंटीमेंट को हर्ट किया गया था, ऐसा बोला गया था। नाउ अब पूरी न्यूज़ आप सबको पता चल गई है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट की वेबसाइट के अंदर रजिस्टर नहीं करना है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, तीन टीयर मैकेनिज्म सरकार ने प्रोवाइड करवाए हैं। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है और किस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, पूरी यही न्यूज़ है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ इस पूरी न्यूज़ को ऐसे ही ले जाएंगे, बट एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। नाउ देखिए, अगर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 5 मार्च द हिंदू का आज के नोट्स में क्या है, सबसे पहले OTT है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो पूछा जा सकता है, किस तरह से पूछा जाएगा। देखो, OTT प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, इनके रिसेंट गवर्नमेंट के 3 टायर मैकेनिज्म क्या था। ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बार बार, क्यों इनको रेगुलेट करना चाहिए, ये सब डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा जिस्ट दे देता हूँ रिवीजन के लिए। OTT प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, एक ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं जिसमें आप ऑडियो स्ट्रीम सुन सकते हैं, वीडियो स्ट्रीम सुन सकते हैं, जैसे अमेजॉन, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, इसका यूज़ इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, सबसे पहले क्योंकि आपको कम कीमत में अच्छा कंटेंट मिल जाता है, ओरिजिनल कंटेंट होता है, और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इसको उससे भी लिंक कीजिए। अगर बॉलीवुड की अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो जो सिर्फ स्टार किड्स हैं उनको ही यहाँ पर चांस मिलता है, बट यहाँ पर इकोनॉमिक बेनिफिट सभी लोगों को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी लोगों को इक्वल चांस दिया जाता है, ये भी OTT प्लेटफॉर्म्स का एक फ़ायदा है। बट यहाँ पर देखिए कि इसको रेगुलेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। एक तो रेगुलेशन के लिए कोई था नहीं, बट अब 3 टीयर मैकेनिज्म क्या होता है वो हम बताएंगे। जैसे सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1952, इसके अंतर्गत जो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स होती है पब्लिक एग्जीबिशन में लगती है उसको रेगुलेट किया जाता है। आपके घर में डिश टीवी है उसके लिए भी एक्ट बनाया गया है, इसके लिए अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं था, बट अभी हम 3 टीयर मैकेनिज्म इसका पढ़ेंगे। राइट, सेंसरशिप प्रॉब्लम थी। अब क्या होता था, इसके वजह से सोशल जो हारमनी है वो भी डिसरप्ट होती है, जैसे तांडव का एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। बट देखिए इतना पूरा मैंने आपको बता दिया, बट एक्चुअल में देखिए एक यूपीएससी जो ऑलरेडी हमारे एस्पिरेंट लिख चुके हैं आंसर, मैं उनका डिस्कस कर लेता हूँ कि 3 टीयर मैकेनिज्म उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, जो गवर्नमेंट का 3 टीयर मैकेनिज्म था, देखिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने एड्रेस किया 3 टीयर मैकेनिज्म। पहले उसमें क्या होगा, कंप्लेंट आप दायर कर सकते हो किसी भी जो OTT प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजॉन या नेटफ्लिक्स में कुछ हुआ तो उसको 15 दिन में सॉल्व किया जाएगा, बट अगर फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो सेल्फ रेगुलेटरी जो बॉडी है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि हेड करेंगे देखिए रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट और कोई इंडिपेंडेंट, देखिए इंडिपेंडेंट कौन होंगे, इंडिविजुअल होंगे जो इसको मीडिया की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, और तीसरा जो टायर मैकेनिज्म है उस पर सरकार ओवरराइड कर सकती है। अब इसके उसमें देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे कि OTT प्लेटफॉर्म जो है
जो तीसरा सेकंड मैकेनिज्म था, ठीक है, कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में अभी सरकार ने ये बोला है कि हमारा कोई गवर्नमेंट का नॉमिनी भी नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में जैसे सिर्फ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होंगे, ठीक है, और कोई इंडिपेंडेंट जिसको मीडिया का एक्सपीरियंस है बट वो गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट नहीं करेगी, ये भी एक रेगुलेशन कम कर दिया गया है। आई थिंक मैं ओवरऑल इस पूरे चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। तो न्यूज़ क्या थी समझ में आ गया होगा, OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में न्यूज़ थी। OTT प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आंसर राइटिंग कैसे पूछे जाएगी वो हमने बता दिया आपको। 3-tier मैकेनिज्म क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बता दिया है। और गवर्नमेंट के अब उसमें क्या नहीं आएगा, गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो नॉमिनेट नहीं होंगे रेगुलेटरी बॉडी में, राइट। तो ये सब पहली न्यूज़ हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद आप सबको पता है म्यांमार में मिलिट्री कूप चला है, तो बहुत ज़्यादा रेफ्यूजी जो हैं भारत में आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। इवन उसमें तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आर्मी पर्सोनिल हैं, ठीक है, पुलिस पर्सोनिल भी यहाँ पर आ रही है। तो अभी इस पूरी न्यूज़ से हमें ये समझने को मिलता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में US बोल रहा है कि सैंक्शंस लगाने चाहिए, ताकि सभी लोगों का अभी यही है कि डेमोक्रेसी को फिर से इस्टेब्लिश करना है कहाँ, म्यांमार में। अब ये मुद्दा चलते रहेगा जब तक मिलिट्री को रिवर्सन ना हो जाए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, IISc इन टॉप 100 लिस्ट इन नेचुरल साइंस कैटेगरी। अब एक जो रैंकिंग है वो हमेशा पूछी जाती है, वो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की। अब मैं रिसेंट का QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का एक डाटा देता हूँ, बट उससे पहले यहाँ का डाटा जान लीजिए कि IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ब्रोक अप इनटू द टॉप 100 इन द नेचुरल साइंस कैटेगरी। देखिए अलग अलग कैटेगरी होती हैं बट ये जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेचुरल साइंस कैटेगरी जो है उस पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टॉप 100 की रैंक में अपनी जगह बना चुका है, बट आपसे ये ऐसी कैटेगरीज नहीं पूछी जाएगी, आपसे ये पूछा जाएगा। फिर ये देखो DU फॉल्स 48 प्लेसेस, आपको ये रैंडम सी चीज़ें आपको जाननी नहीं है क्योंकि इतने सारे इंस्टीट्यूशन हैं, आप सबके बारे में याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल साइंस की कैटेगरी में MIT US सबसे पहले है, स्टैनफोर्ड US सेकंड पोजीशन में है, ठीक है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कैटेगरी, ऐसे हर एक डिपार्टमेंट की कैटेगरी बनी हुई है। तो एक्चुअल में UPSC में यही जानना आपको रहता है कि कौन सी कैटेगरी आपको याद रखनी है कौन सी नहीं, और इनको तो पढ़ने का बेमतलब यहाँ पर चीज़ें हैं। बट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, मैंने ग्रीन में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है मेंशन किया है, तो इसको नोट्स के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ देखिए, ये न्यूज़ पहले भी आ चुकी है जो 2021 का प्रीलिम्स दे रहे हैं या 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिव नोट्स हमने पहले ही ये दे चुके थे, 2021 की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। कॉन्टेक्स्ट क्या था, 17वां एडिशन था QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का जो कि रिलीज हुआ है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट के बेसिस पर जैसे नेचुरल साइंस वो रिलीज कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है क्या। सबसे पहले ये एक एनुअल पब्लिकेशन है, ठीक है। QS ए ब्रिटिश कंपनी है स्पेशलाइजिंग इन एनालिसिस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। मतलब पूरे विश्व में ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हायर, ठीक है, हायर एजुकेशन देते हैं, जैसे आप 12th के बाद करते हो ना, BSc है, IIT है, BTech है, इनकी रैंकिंग, इनको लिस्ट करता है उन कॉलेज को, राइट। रैंक का इंस्टीट्यूशन 6 इंडिकेटर के बेसिस में है कि एकेडमिक रेपुटेशन कैसी है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन कैसी है, कितने स्टूडेंट में कितने टीचर्स हैं, ठीक है, सिटेशन पर फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो। सिटेशन पर फैकल्टी, ये चीज़ याद रखना है। इस पर क्या होता है, कितने टीचर्स ऐसे हैं जिनके रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, ये भी मैटर करता है कि टीचर की रैंकिंग रेपुटेशन कैसी है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस है इंडियन इंस्टीट्यूशन की, ये 2021 के लिए है। टॉप 3 इंडियन फीचर्ड किए हैं टॉप 200 में, जैसे IIT बॉम्बे 172वां रैंक, IAS बेंगलोर 185वीं रैंक, IIT दिल्ली 193 रैंक, ठीक है। ये ओवरऑल के बारे में बात कर रहे हैं। जब कैटेगरी वाइज अगर बात करेंगे तो हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उसकी टॉप 100 के अंदर लिस्ट है, पर उसको जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने पूरे नोट्स दे दिए हैं, आप इससे पढ़ सकते हैं। ना उसके बाद आते हैं एडिटोरियल में। अब एडिटोरियल में यहाँ पर ये बात की जाती है, कल और परसों में मैंने स्पेक्ट्रम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अभी देखो 5G स्पेक्ट्रम की बिडिंग चल रही है। रिलायंस जो है पहला बिडर है जिसने 77,000 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए। तो इंडिया का लेटेस्ट ऑक्शन टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम के लिए चल रहा है अभी, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर परस्पेक्टिव मेनली बिकॉज द विनिंग बिड्स एक्सीड द गवर्नमेंट ओन्स लो एक्सपेक्टेशन फॉर रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ एयरवेज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सरकार ने अपना यहाँ पर एस्टिमेटेड ये लगाया था कि कुछ कम होगा, बट
सरकार को ज़्यादा मिला ऑक्शन के लिए। बट ये रैंडम से फैक्ट एंड फिगर्स आप पढ़ते रहेंगे कि हाँ रिलायंस जियो का 60% है, बट अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस जब आप देखोगे तो ये फैक्ट कोई काम के नहीं है। मैं अभी आपको ये पढ़ा देता हूँ, ठीक है, कि कितना 488 मेगाहर्ट्ज का जो एरिया है वो कवर करेगा जियो रिलायंस, उसके लिए 77,000 करोड़ रुपये सबसे जियो ने सबसे ज़्यादा बिड लगाई, ठीक है। 2016 में भी हुआ था, बट यहाँ पर बोला जा रहा है कि 17,000 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है वो इनफ है। अब आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे ये 17,000 मेगाहर्ट्ज क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। एक्चुअल में यही जानना है आपको, ठीक है। दूसरा ये भी है कि अनरियलिस्टिक प्राइसेस सही नहीं है, रेगुलेटरी नॉर्म्स कम करने चाहिए, जो टैक्स प्रैक्टिसेज हैं उसको अच्छे से गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि टेलीकम्युनिकेशन जो स्पेक्ट्रम है अच्छे से लॉन्च हो जाए, ठीक है। अब ये पूरे एडिटोरियल है, पर इससे क्या आपको डाटा मिल पाया, फुल इंसाइट मिल पाई? नहीं, ठीक है। इंसाइट कहाँ से मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको स्पेक्ट्रम ऑक्शन का मतलब पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जैसे आप लोग सेल फोन्स वायर लाइन जो टेलीफोन्स होते हैं उस पर बात करते हैं, उस पर बात करने के लिए उनको क्या चाहिए होता है? सिग्नल, और सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट करने के लिए। अब सिग्नल कैसे आते हैं? एयर वेव्स से, ठीक है, जो हवा है एयर वेव्स से यहाँ पर देखने को मिलता है ना। सेल फोन्स ऐसा तो है नहीं कि कोई फिजिकल वायर कनेक्ट है, तो सिग्नल किससे मिलते हैं? एयर वेव्स को। अब एयर वेव्स ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है जब आप कॉल करते हो तो डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलता है, तो सॉरी फॉर द पॉज। देखिए एक पर्टिकुलर क्या होता है, सेट ऑफ फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है हमें, कि एक जगह से दूसरी जगह अगर साफ नेटवर्क में बात करनी है तो सेट ऑफ फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, और उसी को मेगाहर्ट्ज के बेसिस पे मेज़र किया जाता है, ठीक है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर स्पेक्ट्रम एलोकेशन किया जाता है, तो सरकार ये कहती है कि देखो सरकार का ज्योग्राफिकल एरिया तो है ही, ठीक है, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी, बट एयर जो है वो भी तो सरकार की है, तो सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इससे जनरेट हो पाए, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली। और कौन कौन बिड कर सकता है? जनरली प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स बिड करते हैं, इसमें 3 नई कंपनीज़ में या फॉरेन कंपनीज़ भी कभी कभी इसमें इन्वेस्ट करती हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा स्पेक्ट्रम ऑक्शन का मतलब होता क्या है, कि एयर वेव्स से रेवेन्यू जनरेट करना, ताकि जो जियो है अपना टावर लगा सके, जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं ना, तो वो इस फ्रिक्वेंसी में, उनका काम ही ये होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुंचा पाएँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ आती है कोवैक्सीन एफिकेसी, कल भी हमने पढ़ा था 80% से ज़्यादा है, भारत बायोटेक ने फेज 3 ट्रायल में कहा है। पहले ये था कि रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल ऑफ कोवैक्सीन शुड नाउ बी रिवाइज। पहले ये था कि यार सिर्फ आप इमरजेंसी प्रोविज़न में कोवैक्सीन को क्या कर सकते हैं, आप लगवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पता नहीं था कि कितनी एफिकेसी है, साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। बट पूरा एडिटोरियल यहाँ पर यही है कि यार कोविड-19 में जो भारत बायोटेक ने अच्छी मेडिसिन डेवलप की है जिसकी एफिकेसी भी अच्छी है, और पूरे एडिटोरियल में अगर आप देखोगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। याद रखना जो मैंने बोल दिया कि आप उस एडिटोरियल को मत पढ़िए, क्योंकि हम पूरा पिछले 5 साल का ट्रेंड एनालाइज करके आपको प्रीलिम्स का फैक्ट भी बताते हैं, मेंस का भी। तो हम यही आपको देखिए, जो फ्रेशर से बच्चे होते हैं वो क्यों अपने माइंड से जो पाथ से डाइवर्ट होते हैं प्रिपरेशन के दौरान, कि उनको एक्चुअल में बताने वाला कोई नहीं होता है कि किस एडिटोरियल को कितना पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। मैं कहूँगा इसको बिल्कुल भी मत पढ़ो, ठीक है। थोड़ा सा भी चीज़ें हैं, रेंडम फैक्ट हैं, जो चीज़ें मैंने बताई थी वो आपको, जो चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है वो मैंने आपको बता दिया। 43 केसेज यहाँ पर हैं, ये केसेज यहाँ पर हैं, ये लगातार आते रहेंगे, राइट। ओके नाउ, उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल आता है पर्सनल लिबर्टी। अब पूरा एडिटोरियल का क्रैक्स यहीं पर यह है कि कभी भी ऑल ओवर इंडिया में किसी की पर्सनल लिबर्टी वॉयलेट होती है तो उसमें एक ही मसीहा आएगा, कौन? सुप्रीम कोर्ट आएगा। अब इसके चलते हुए इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि रिसेंट में जुडिशियरी ने कहीं ना कहीं लोगों के अधिकार को प्रोटेक्ट किया है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूँगा बहुत सिंपल है कि प्रिया रमानी एक जर्नलिस्ट थी, उसको डिफेमेशन के केस में डाला था, ठीक है, उसको बरी कर दिया गया, ठीक है। एक पॉलिटिशियन पर पहले चार्जेस लगाए थे सेक्सुअल हरेसमेंट के, ठीक है, और पॉलिटिशियन का नाम बताइए चलिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, कि उन्होंने फिर जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने कहा कि मेरी रेपुटेशन इससे गिरी है, कि मेरी रेपुटेशन इन्होंने वो करी। तो ये पर्सनल वो था, एक वीमेन का राइट होता है कि अगर उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट चीज़ें होती हैं तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म में आके पब्लिक डोमेन में उसे बता सकती है, वो उसकी पर्सनल लिबर्टी है। अब इसको किसने प्रोटेक्ट किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड है दिशा रावी, 22 साल की ये हैं, और इनका जो मैटर था टूल किट का था। इनके अकॉर्डिंग क्या था,
कि इन पे ये चार्जेस थे कि जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को एडिट किया है, जो ग्रेटा थनबर्ग इन सब लोगों ने भेजे शेयर किए, तो इन पे टूलकिट का ये कॉन्स्पिरेसी थी कि इन्होंने डॉक्यूमेंट में एडिट किया और भड़काया लोगों को, ठीक है। हालांकि इनको भी सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है, बेल यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। तो पूरा एट द एंड यहाँ पर यही बोला जाता है कि किसी भी डेमोक्रेसी में राइट टू डिसेंट इज़ फंडामेंटल। अगर आप सरकार के अगेंस्ट कुछ ग्रीवेंसेज अपने मुद्दे उठा रहे हो तो वो आपका मौलिक चीज़ है, राइट। तो पूरी चीज़ से आप समझ चुके होंगे, वैसा ही अमेजोन का तांडव में भी देखने को मिला। मेजोरिटी कम्युनिटी ने ये बोला हिंदू सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, ठीक है। मिस रमानी है, मिस रवि है, मिस प्रोहित हैं। तो पूरे आर्टिकल में यहाँ पर कहने का क्रक्स क्या था, बहुत बार बच्चे क्या होते हैं किसी भी जो लाइन को पढ़ के कुछ भी अलग समझ लेते हैं, बट हमारा ये पूरा मोटिव रहता है कि आप उस एडिटोरियल का क्रक्स समझें। क्योंकि आपको जब 150 या 250 वर्ड में आंसर राइटिंग करते हैं, आप सबको पता है, जो जो डेली एस्पिरेंट हैं उनको पता है कि एक लाइन लिखने को मिलती है और क्रक्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी इवन फॉर ए सिंगल डे इज डे टू मैनी, सिर्फ एक दिन के लिए भी अगर आप किसी की पर्सनल लिबर्टी को डेप्रिवेट कर रहे हो तो वो कई दिनों तक मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ओके नाउ। तो इससे पर्सनल लिबर्टी कभी भी वॉयलेट होगी तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन है, सुप्रीम कोर्ट, और ये कर चुकी भी है। 3-4 आप एग्जांपल दे सकते हो। अब आप सबको पता है यार गूगल के सीईओ कौन है, ठीक है, या बहुत सारे, तो उनकी सिटीजनशिप आप देखोगे तो इंडियन अमेरिकन, मतलब पैदा वो इंडिया में हुए हैं, अभी सिटीजनशिप उनकी अमेरिकन है, तो इंडियन अमेरिकन। तो ये तो चीज़ें ठीक हैं, बट आप सबको पता है जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा भी होती हैं, वहाँ भी होता है सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वहाँ पर भी इंडियन अमेरिकन वहाँ पर हैं। जैसे एक नाम है रोहित रो खन्ना, इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट अमंग द 4 इंडियन अमेरिकन इन द करंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। यूएस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 4 इंडियन अमेरिकन के हैं। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें ये फ़ायदा होगा तो सबसे पहले हमारे यूएस और इंडिया के बायलेटरल रिलेशन अच्छे होंगे आम तौर पर, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया और यूएस के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, राइट। दूसरा, इससे पहले भी जो इंडियन अमेरिकन हैं उन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट किया, और यह आप इंटरनेशनल रिलेशन में डाल सकते हैं कि रोल ऑफ इंडियन अमेरिकन पीपल। तो एक तो सबसे पहले ये आप लिख लो कि बायलेटरल रिलेशन इससे अच्छे होंगे, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि द मैसिव एफर्ट बाय द हाईली एजुकेटेड एंड इकोनॉमिकली स्ट्रांग कम्युनिटी मेक इट काउंट एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप इन द यूएस, ठीक है। अब ये क्या है, इंडियन अमेरिकन ऐसे नहीं है कि यार 10th पास चले गए, 12th पास चले गए, जनरली ये हाईली एजुकेटेड और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं यूएस के जितने भी डिसीजन होंगे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ये करेंगे, राइट। और बहुत सारे ऐसे डिसीजन भी होते हैं, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट में जैसे कमला हैरिस ने और बहुत सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था भारत को, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा जो उनके डिसीजन थे वो इन्फ्लुएंस हुए इंडियन अमेरिकन जो ओरिजिन के लोग रहते हैं, ओके। उसके बाद ओपेट पेस से यहाँ पर काम का नहीं है, इलेक्शन वाला है। दूसरा, यमन वार में किस तरह से सीज़ फायर हो सके, सऊदी और हाउती रेबिलियन है, इसके बारे में हमने एक आंसर राइटिंग की है, बट इंडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस बेसिस पे, ठीक है। इस पर पूरी इंटरनल पॉलिटिक्स यहाँ पर लिखी गई है। बात ये आती है कभी भी वेस्ट एशिया में कुछ भी चीज़ें होती हैं तो भारत को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले कैसे कि भारत का एक तो डायस्पोरा वहाँ है, काम करता है, दूसरा भारत इन्वेस्ट भी करे हुए हैं, भारत की बहुत सारी कंपनी होती हैं, ठीक है। तीसरा, जो बायलेटरल रिलेशन है ट्रेड के वो भी हार्म होते हैं क्योंकि वहाँ पर इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई। तो इस तरह से इंटरनेशनल वाले टॉपिक इस तरह से आपको समझने हैं, ठीक है, ओके। आंध्र प्रदेश में अभी बात की गई है कि हम भारत ये स्टेट बंद करेंगे क्योंकि प्राइवेटाइज किया जा रहा है विशाखापट्टनम का स्टील प्लांट, ठीक है। तो इसके विरोध में अभी आंध्र प्रदेश की सरकार जो है बंद करने वाली है इसकी, ठीक है। अब आप सबको पता है सीबीआई के डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, ठीक है। अब मैं नोट्स में तो इसे इंक्लूड कर दूंगा, बट आपको यहाँ पर लिखना है कमेंट बॉक्स में कि सीबीआई के डायरेक्टर किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं। पर आप देखेंगे कि रेगुलर फ्रेमवर्क में सरकार सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करती है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर सीबीआई हेड शाउट, एक रिट पिटीशन भेजी गई सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कि सीबीआई के डायरेक्टर का रेगुलर अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी हैं कभी पोस्ट वैकेंट हो रही है। और सीबीआई के डायरेक्टर के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए बताइए जो कमेटी है उसमें कौन कौन होते हैं सीबीआई के डायरेक्टर को हेड करने के लिए, ठीक है। इंडिया अभी चाह रहा है कि छाबार पोर्ट्स को कनेक्ट किया गया, किससे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इस पर क्या है, इंडिया
इंडिया अपने बेसिस पे छाबार पोर्ट से वेस्ट एशिया से सेंट्रल एशिया कजाकिस्तान किर्गिस्तान से रशिया कनेक्ट होगा, ठीक है। तो अभी ये चाह रहा है, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट अफगानिस्तान, ये पूरा यहाँ पर कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो छाबार पोर्ट दूसरा ये भी है, इंडिया जो है ईरान में छाबार पोर्ट डेवलप कर रहा है और क्या दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले एक ये है मेजर चैलेंज कि पूरे ऑल ओवर जनरली यूएस ने, अभी तो जो बाइडन आ रहे हैं तो उन्होंने ये बोला है कि हम ईरान को सैंक्शंस हटाएंगे, जो न्यूक्लियर डील है उसको हटाएंगे, ठीक है। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ईरान का छाबार पोर्ट, ठीक है। ओके, नाउ ये भी डिस्कस कर लिया है। वर्ल्ड पेज में कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, म्यांमार से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है, मतलब इंडिया जिससे इम्पैक्ट हो वाली चीज़ें यहाँ पर आज डिस्कस नहीं की गई हैं। ओके नाउ, तो आज के पूरे इस हिंदू एनालिसिस में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम आंसर राइटिंग कर देंगे, आंसर राइटिंग शाम को आपको मिलेगी, ठीक है। ओके, तो आज का एंड कोड रखते हैं सीबीआई के डायरेक्टर की कमेटी के सब क्या सबको अपने आंसर देने हैं, ठीक है। तो आज का न्यूज एडिटोरियल हमने डिस्कस कर लिया है, हिंदू एनालिसिस डिस्कस कर लिया है, बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आ रही होगी तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। थैंक यू।